देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आदित्य प्रताप सिंह जी, इसी थाने में टीआई हैं, जिस थाने में पहली बार, जी हां, रीवा के इतिहास में पहली बार किले के अंदर रावण चलाया जा रहा है, उस थाने के आप इंचार्ज हैं। हम उन्हीं से पूछते किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ किया गया है। चूंकि कोरोना की वजह से इस बार किला परिसर में ही दशहरे का आयोजन किया गया है, रावण वध का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है और उनको कार्ड इशू किए गए हैं 200 लोगों को, वही केवल एक कार्ड पे एक व्यक्ति ही अंदर आएंगे और उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करीब दो दो मीटर की दूरियों पे उनको बैठने की व्यवस्था कराई गई है और मैदान के अंदर भी वहाँ पर पूरा फोर्स लगा दिया गया है। किला के दोनों गेट से लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, चोपड़ा स्कूल में प्लस किले के मछरिया दरवाजे के पास सरस्वती स्कूल में, वहाँ पर लोगों के पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है ताकि लोगों को ज़्यादा दूर तक पैदल ना चलना पड़े। हर ग्राउंड के अंदर भी पर्याप्त बल लगाया गया है, सभी गेटों में पर्याप्त बल लगाया गया है जिससे किसी प्रकार का ना तो ट्रैफिक अवरुद्ध हो और ना ही कोई अव्यवस्था होने पाए। तमाम वो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं जो दशहरा उत्सव में कभी किसी भी प्रकार का खलल ना डालें। आप इसी इलाके में पहले भी टीआई रहे हैं, वापस इस इलाके में आए हैं, जाना पहचाना इलाका है, इस समय खास तौर से कोरेक्स का कुछ ज़्यादा ही युवाओं में बढ़ गया है, सर किस तरीके से आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे? कोरेक्स का इस समय पूरे रीवा संभाग में ही प्रचलन है और उसका नशे के रूप में लोग कफ सिरप का उपयोग कर रहे हैं। इधर लगातार जिले में लगातार इस पर बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कोतवाली क्षेत्र चूँकि आदिवासी हरिजन पुरानी बस्तियां ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो उन बस्तियों में प्रायः लोग कोरेक्स का कम उपयोग करते हैं। जहाँ पर जिस इलाके में पढ़ने वाले लड़के हैं या कि पढ़े लिखे लोग हैं जो कि घरों में चाहते हैं कि गंध ना आए, ऐसे लोग भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो जो हमारे इलाके में बस्तियाँ हैं उनमें तो कोरेक्स का उपयोग नहीं हो रहा। वहाँ पर प्रायः लोग ये शराब ज़्यादा पीते हैं, देसी शराब। कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पर कि कोरेक्स की शिकायतें हैं, वहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है और कोतवाली क्षेत्र में लगभग कोरेक्स को बंद कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र में कोरेक्स का लगभग बंद हो गई है, ऐसा आपका कहना। एक व्यक्तिगत सवाल यह है कि पिछले दिनों आप जैसे ही आपने सिटी कोतवाली थाना ज्वाइन किया था, आपको कोरोना हो गया था, कोरोना काल चल रहा है, उसी दौरान अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब ना भी दें, उसी दौरान आपके कॉलेज के एक साथी प्रसून सिंह जी का कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी। जैसा कि आप यहाँ लगातार लोगों से जुड़े रहे, सुरक्षा व्यवस्था की आपके साथ जिम्मेदारी थी, उस पल आपको कैसा महसूस हो रहा था और किस तरीके से आपने अपने में एक उत्साह और जागृत कर रखा था? चूँकि अब वो व्यक्तिगत मसला है, चूँकि मेरा बचपन का साथी था और उसको कोरोना तो लास्ट में हुआ है, उसके पहले उसको और कई दिक्कतें थी, कई सेप्टिक चीज़ें हो गई थी जिसके कारण से वो लगातार यहाँ विंध्या में भी एडमिट रहे। फिर जब यहाँ से रेफ़र हो गए हैं तो जब तक विंध्या में एडमिट रहे तब तक उनको कोरोना की शिकायत नहीं थी। जब वो एक बार डिस्चार्ज हो गए फिर दिक्कत हुई, फिर हॉस्पिटल ले गए तो उनको नागपुर ले गए, नागपुर में फिर वहाँ एडमिट रहे, वहाँ पर उनको कोरोना पॉजिटिव की शिकायत आई। हालांकि उनकी जो डेथ हुई है वो और बीमारियाँ हो गई थी, सेप्टिक हो गए थे वो, उसके कारण से किडनी फेलओवर और हो गए थे, उसके कारण से उनकी दुखद घटना हुई थी, क्योंकि हमारे बहुत अभिन्न साथी थे। और क्या आप दूसरा प्रश्न क्या है? अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था लेकिन मुझे इतनी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, सर्दी जुकाम हुआ, उसके बाद फीवर हुआ, चेक कराया तो कोरोना पॉजिटिव हुआ। लगातार मैंने एक महीने तक दवाइयाँ ली और रेस्ट किया है, अभी भी मतलब मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन यह है कि फीवर नहीं आते हैं और ऐसी कोई माने ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं जज्बा, एक ऐसा जज्बा कोरोना होने के बाद कोरोना काल में, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र में रावण वध की तैयारी में जुटे हुए हैं, हालांकि पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। ऐसे ही अधिकारी की रीवा शहर को, खास तौर से पुराने शहर को जरूरत है, जहां पर तमाम तरीके की जो भी दिक्कतें हैं उनको रोका जा सके और एक स्वस्थ वातावरण को तैयार किया जा सके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, नमस्कार।